हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज शाही शक्करपारा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक नई तरह की मिठाई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस होली पे आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स आपको डाल देंगे कि इसने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये शाही शक्कर पारे की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। यहाँ पे हमने 2 बड़ा कटोरी मैदा लिया है। 1 कटोरी हम देसी घी लिए हैं जिसका हम मोयन डालेंगे। 2 चम्मच हम इलायची पाउडर डालेंगे। फ्राई के लिए हम रिफाइंड तेल लेंगे। तो सबसे पहले हम डो लगा लेंगे। डो लगाने के लिए हमने 1 बड़ा बाउल लिया है और उसमें हम मैदा डालेंगे। तो मैदा को हमने 2 बार छान लिया है। ये भी ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि मैदा में कुछ भी निकल सकता है। तो हमने मैदे को छान के ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बीच में ऐसे गड्ढा बनाते हुए देसी घी डालेंगे। तो हम जितना मैदा लेंगे उसका 1/4 हम मोयन डालेंगे। इससे क्या होता है, अपना जो रेसिपी होता है बड़ा ही टेस्टी तैयार होता है। और हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो करीबन हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इस नई रेसिपी के लिए हमें ये स्टेप भी बहुत जरूरी है, अच्छे से मोयन मिक्स करना। तो हमने माप से तो 1/4 मोयन डाला है, लेकिन हम दूसरा तरीका भी बता रहे हैं मोयन चेक करने के लिए। हमने मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसे मुट्ठी बांधनी है। तो ऐसे मुट्ठी बन जाए तो आप समझिए कि अपना परफेक्ट मोयन तैयार है मैदे के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम जो नए तरह की मिठाई बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें सख्त ही डो तैयार करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पानी डालेंगे 1-1 चुल्लो और इसे मसल मसल के डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें सारे स्टेप पे अच्छे से ध्यान देना है, तभी एक बढ़िया सी स्वीट तैयार हो पाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, अपने मैदा जो है वो एकदम बराबर बैंड हो गया है। अब हमें क्या करना है, हथेली की ऐसे मुट्ठी बनानी है और ऐसे प्रेस कर कर के मैदे को इकट्ठा करना है। तो आप ध्यान से देखिए, हमने ऐसे मसल मसल की मैदे का एक बड़ा ही सख्त डो तैयार कर लिया है। यानी कि हम अंगुली को ऐसे दबा रहे हैं तो ऐसे ये दब रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक कॉटन कपड़ा से इसे ढक के और 20 से 25 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैदा अपना अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक डो फूल रही है तब तक हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हम एक बर्तन रख लेंगे और चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पे 1/2 किलो शक्कर डालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए अपनी कितनी साफ चीनी है। तो हम इसमें बॉल में हमने 1/2 किलो शक्कर डाला है। तो इसका माप क्या होता है, 1/2 किलो आपने शक्कर लिया है तो इसमें 250 ग्राम पानी डाला जाता है। तो हमारे अंदाज से 1 ग्लास में 250 पानी आता है। तो यहाँ पे हम 250 पानी डाल रहे हैं और अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर ले रहे हैं और इसे हम चलाते हुए शक्कर को घुलाएंगे। अभी हम गैस का फ्लेम तेज ही रखे हैं। जब तक शक्कर घुलेगी उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए, अपनी शक्कर जो है वो अच्छे से घुल चुकी है। तो हम दिखा रहे हैं आपको, अपनी चीनी जो है वो साफ है। तो हमें चाशनी को साफ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इस स्टेज पे हम क्या करते, एक तो हम यहाँ पे 1 चम्मच दूध डालेंगे।
दूध क्या करता है? फटने के बाद शक्कर की मैली को लेके किनारा कर देता है, फिर हम उसे चम्मच से छान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अपनी चाशनी जो है वो साफ है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से क्या होता है, चाशनी तैयार होने के बाद अपनी चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होती। अब हम इसे 3 मिनट तक तेज फ्लेम पे पकाएंगे। हमें कोई ताड़ वाली चाशनी नहीं तैयार करनी है, जैसे शहद में चिपचिपाहट होती है वैसे ही हमें चाशनी तैयार होती है। तो हम 3 मिनट उबालने के बाद एक बार चेक करके आपको बताएंगे। हमने चलाते हुए चाशनी को तैयार कर लिया है, अब हम आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। तो हम चम्मच से चाशनी को ऐसे निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम गरम चाशनी से हमारी हाथ जो है वो जल सकती है। तो हम एक अंगुली से इसे ऐसे बोड़ेंगे और दोनों अंगुलियों को ऐसे चिपकाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई तार नहीं बन रही है, हनी के जैसे अंगुली चिपक रही है। तो अपनी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, यहाँ पे आप केसर भी डाल सकते हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। चाशनी अपनी तैयार हो चुकी है। अब हम एक बार डो को चेक करेंगे। तो हम ऐसे कपड़ा हटा के डो को चेक करेंगे। डो अपनी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम इसमें से थोड़ा सा डो निकालेंगे और इसकी हम 2 लोई तैयार करेंगे। बाकी के डो को हम ढक के रख देंगे, क्योंकि डो सूखना नहीं चाहिए। और हम इसकी लोई तैयार करेंगे। मसल मसल के हम लोई को तैयार करेंगे और बीच से हम इसे प्रेस कर देंगे। अब हम एक लोई को प्लेट में रख देंगे और एक लोई को हम प्लेटफॉर्म पे ही मैदे में इसे रेस्ट करके और बेलेंगे। तो हमें इसे एक पतली सी पूरी तैयार करनी है। तो इसे हम फैलाते हुए एक बड़ी सी पूरी तैयार करेंगे। पूरी अपनी तैयार हो चुकी। अब हम चाकू से इसको एक रेक्टेंगल शेप देंगे। तो ऐसे हम किनारे किनारे से काट लेंगे और इसे एक शेप देंगे। एक्स्ट्रा आटा हम हटा लेंगे, तो ये आटा हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगली पूरी के साथ मैश के हम इसे दूसरा तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, हल्का सा डालना है। अब हम एक चाकू लेंगे और इसकी मदद से हम इसमें कट लगाएंगे। तो किनारे से थोड़ा चौड़ा रहने देंगे और बाकी का हम ऐसे आधा आधा इंच का दूरी करके और कट लगाते जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, पर बड़ी ही शोदार ये रेसिपी तैयार होगी। तो हम ऐसे ही पतले पतले कट लगा लेंगे। यहाँ पे आपके पास पिज्जा कटर हो तो उससे भी काट सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, हमने किनारे किनारे चौड़ी सी पट्टी रखी है, जिसमें हमने कट बिल्कुल ही नहीं लगने दिया है। तो ये अपनी पहली स्टेप तैयार हुई। दूसरा हमें क्या करना है, किनारे से हमें सावधानी से पहले ये चौड़ी वाली पट्टी को उठाना है और इधर से दूसरी वाली। तो ऐसे हम उठा लेंगे। अब हम यहां से पकड़ेंगे और इसे धीरे धीरे ले जाके कॉर्नर टू कॉर्नर मिला लेंगे। थोड़ा सा ऐसे हम खींच खींच के दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ऐसे ही हम फिर यहां से उठा के और दूसरे पॉइंट पे ज्वाइंट कर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से चिपका देंगे।
अब हमें क्या करना है, एक साइड को ऐसे पॉइंटिंग करना है और लच्छे को उठा लेना है। बीच के आधा आधा हिस्सा को अलग करेंगे और इस पॉइंट को ऐसे हम बीच में डाल के और निकाल लेंगे। और इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। बाकी का इधर वाला जो है तो हम इसे ऐसे अपोजिट साइड में ले जाते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। थोड़ा सा ऐसे हम फैला सकते हैं क्योंकि ये मैदा है, तो थोड़ा सा फैलाने से कुछ नहीं होता। आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया ये मिठाई का शेप तैयार हुआ है, लीफ के आकार का। तो ऐसे ही हम बाकी के सभी पट्टी तैयार करके और कटिंग कर लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया हमने लीफ तैयार किया है। अब हम गैस की तरफ चलें। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम तेल को चेक करेंगे। तो हमें तेल को एकदम मीडियम गर्म रखना है, ज्यादा हाई पे नहीं गर्म करना है। हम चेक कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा मैदे के टुकड़े को डालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए अपना मैदा का लोई बिल्कुल धीरे धीरे उसमें फूल रहा है, तो ये सही माप है तेल गर्म होने का। हम इसे निकाल दे रहे हैं और इसमें हम अपनी सावधानी पूर्वक मैदे की मिठाई को डालेंगे और हम स्लो फ्लेम पे इसे 10 से 12 मिनट तक सेकेंगे। एक साइड से हमने 2 मिनट तक सेक लिया है। अब हम इसे उलटना बताएंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया फूल उभर के आई है। अब हम इसे ऐसे उलट लेंगे और एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। इससे क्या होगा, अंदर तक अपनी मैदा की जो है डो अच्छे से पकेगी और क्रिस्पी होगी। हमें घबराना नहीं है, स्लो फ्लेम पे इसे 12 से 15 मिनट तक अच्छे से सेक लेना है, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बीच बीच में हमें इसे उलटते रहना है। तो हमने उलट उलट के इसे अच्छे से फ्राई किया है। एक बार आप ध्यान से देखिए इसका कलर कितना बढ़िया हो गया है, ये अंदर से काफी क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो हम इसे कुछ सेकेंड के लिए टेढ़ा कर लेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल जो है वो कढ़ाही में गिर जाए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे वाले को भी हम टेढ़ा करते हुए प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने जब तक ये फ्राई किया उतने में दूसरा वाला लीफ का शेप तैयार कर लिया है। अब हम इसके पॉइंट को ऐसे ज्वाइंट करते हुए और तेल में धीरे से छोड़ देंगे। तो ऐसे हम तेल में छोड़ देंगे और इसे 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हमें क्या करना है, तो हमने जिसे फ्राई कर लिया है उसे हम ये अपनी तैयार चाशनी में इसे हम धीरे से छोड़ देंगे। तो ऐसे हम इसे चाशनी में छोड़ देंगे और हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जितने में वो अपना दूसरा बैच तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। 2 मिनट तक एक साइड से अपनी ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे उलट देंगे। तो हम सारे स्टेप सावधानी से करेंगे क्योंकि कोई भी नया इन्वेंट करने के लिए सावधानी तो जरूरी होता ही है। तो हमें नए मिठाई के लिए हर स्टेप पे सावधानी बरतेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे भी ब्राउन होने तक सेकेंगे। हमने रस में इसे 5 मिनट तक डुबाया है। अब हम क्या करेंगे, एक झरने की मदद से इसे निकाल लेंगे। तो हम टेढ़ा कर देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो पॉट में ही गिर जाएगा और इसे हम एक प्लेट में निकाल के रखते जाएंगे। ऐसे ही हम टेढ़ा करके इसे और प्लेट में निकाल देंगे। ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया ये नई मिठाई तैयार हुई है। तो हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं।
कभी हम गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे जिससे अपनी तेल गर्म हो जाए, फिर हम स्लो कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी बात आप ध्यान में रखते हुए फ्राई कीजिए, ये बड़ा ही टेस्टी तैयार होता है। दूसरे बैच का भी कलर आप ध्यान से देखिए, ब्राउन हो गया है, तो हम इसे भी टेढ़ा करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे चाशनी की तरफ ले चलेंगे, तो हम इसे आसानी से चाशनी में डुबा देंगे और इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे जिससे अच्छे से चाशनी चूस लें, फिर हम इसे निकालेंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे झरने से रस से निकाल लेंगे। तो इसे हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितना प्यारा नई मिठाई की रेसिपी तैयार हुई है। इसे आप भी इस होली पे जरूर तैयार की। शाही शक्कर पारा हमने नई तरीके से बना के तैयार कर लिया है, तो इस नई रेसिपी को आप जरूर से ट्राई कीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो इसे आप इस होली पे जरूर बनाइए और अपना अनुभव हमें शेयर कीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।